ओवरसीज। आज की वीडियो हमारे उन ट्रक भाइयों के लिए जिनके गाड़ी के कागजों की वैधता जल्दी समाप्त होने वाली है या समाप्त हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें आरटीओ के बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सरकार ने एक बार फिर से बढ़ाई ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के अन्य कागजों की वैधता, मगर क्यों लिया है सरकार ने फैसला और इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानने के लिए हमारे साथ रिपोर्ट के अंत तक जरूर बने रहें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ट्रकिंग जगत से संबंधित सारी जानकारी, सारी गवर्नमेंट घोषणाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस के चलते अब सरकार ने आपके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के अन्य सभी दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने इससे पहले भी कोरोना की समस्या को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च और 9 जून को नोटिस जारी कर रहे थे, जिसके चलते ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के अन्य डॉक्यूमेंट्स की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। अपने ऑफिशियल संवाद में मिनिस्ट्री ने बताया कि गाड़ी के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य सभी दस्तावेजों को जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अंतर्गत आते हैं, उन सबकी वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। मिनिस्ट्री ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते सरकार ने फैसला लिया है। मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि जो गाड़ी मालिक कोरोना के चलते अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू नहीं करवा पाए थे या जिनके दस्तावेज 1 फरवरी के बाद एक्सपायर हो गए, उनके डॉक्यूमेंट्स की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। अगर आपको हमारी आज की खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अपने दस्तावेजों को रिन्यू करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारी टीम आपकी जरूर मदद करेगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।